खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने बुलाई है, जो कि साड़ी नवी सरकार डॉक्टर उमर अब्दुल्ला जी की क्यादत विच बनी है। उन्होंने असी बहुत बहुत बधाई देते हाँ, विशेष तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नू, उमर अब्दुल्ला साहब नू, जो कि साढ़े यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर बने ने, उन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया उन्होंने बहुत बहुत बधाई। इहदे नाल नाल ही साढ़े पुंछ हवेली के एजाज जान साहब, जिन्होंने पुंछ की धरती ते पैर रखिया और सब तो पहला डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल के अंदर जाके उत्थे दी पूरी व्यवस्था नू वेख्या, एश्योरेंस दिता है कि हेल्थ के क्षेत्र विच जिस तरह की भी कोई मदद की लोड़ होगी मैं हर तरह की मदद करांगा। और इत्थे दी जो आम है उसनू ये जो हेल्थ सर्विसिज ने बड़े अच्छे ढंग से अच्छे पद्धर से मिलनिया चाहिए। एजाज जान साहब नू भी बहुत बहुत बधाई बधाई है। चौधरी अकरम साहब नू, जिन्होंने सुरनकोट की धरती ते पैर रखे और सब तो पहला जो डिवेलपमेंट के पेंडिंग काम सन उन्होंने एकदम टेकओवर किया और आश्वासन दिता है कि असी इन्हां कामां नू छेती तो छेती पूरा करांगे और अपनी जो इत्थे दी साडी आवाम है उसकी खिदमत कराए। वधाई है जावेद राणा जी नू, जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बने ने और उन्होंने भी ये आश्वासन दिता कि साडी कोशिश होगी कि जो आवाम दियां मुश्किलात ने उन्होंने पूरा किया जाए, उन्होंने जो समस्यावां ने उन्हों का हल कढ़िया जाए। सारियां नू बहुत बहुत बधाई बधाई है। उमर अब्दुल्ला साहब जी की सोच नू, जिन्होंने सुरिंदर चौधरी जी नू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के इस गल का सबूत दिता कि असी सारियां नू नाल लैके चलांगे और सुरिंदर चौधरी जी नू भी बहुत बहुत बधाई। हर एक MLA जो कि इत्थे जित के आया है, वह पक्ष का होवे विपक्ष का होवे, सारियां नू बहुत बहुत बधाई। खास करके डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब नू बधाई, जिन्हां दी सोच है कि असी किसी तरह की कोई टकराव वाली पॉलिसी ना बनाईए बल्कि जनता के जो काम ने उन्हां नू करन वास्ते उन्हां नू प्रायोरिटी दिती जाए। मैं बेनती करा कि वधाई मनोज सिन्हा जी नू भी है, जो साढ़े LG ने, जिन्होंने पूरा कोऑपरेशन देन दा यतन किया कि जनता की चुनी हुई सरकार को हर तरह का कोऑपरेशन दिता जाएगा। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस नवी सरकार नू जिथे वधाइयां देती है उत्थे इन्हां अगे बेनती भी करती है कि कुछ समस्यावां विशेष तौर पर सिख कम्यूनिटी दियां ने, खास करके कश्मीर के अंदर रहने वाले ओ कम्यूनिटी सिख कम्यूनिटी जिन्होंने मिलीटेंसी का बड़ी दलेरी के नाल मुकाबला किया, उत्थे रहे ने समुचे जम्मू कश्मीर के अंदर जिथे किते भी सिख कम्यूनिटी का कोई मैंबर है असी माइक्रो माइनोरिटी के हाँ, साड़िया कुछ डिमांड्स ने उन्होंने वो पूरा किया जाए। जिमें हर व्यक्ति की ख्वाहिश है कि स्टेटहुड सानू मिलनी चाहिए है बेशक, पर सिख कम्यूनिटी की भी एक डिमांड है कि जो पंजाबी लैंग्वेज साड़ी, जो इसका सम्मान, जो इसका सत्कार अज तो कुछ समा पहले सी स्टेट के अंदर, वो सत्कार वो मान सम्मान इस बोली का बहाल किया जाए। स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर इनू बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करके एक
टीचर जिहड़े ने मुहैया किए जावन, स्पैशल कंपेन ड्राइव की जाए ताकि पंजाबी दे टीचर हर लैवल ते अवेलेबल होवन, चाहे वह स्कूल होवे, चाहे वह कॉलेज होवे, चाहे वह यूनिवर्सिटी होवे। मैं बेनती जरूर करा इस साडी सरकार नूं, चुनी हुई सरकार नूं, कि जो नौजवान बच्चे ने, खास करके पढ़े लिखे बच्चे ने, प्रोफेशनली ट्रेनड ने, पर वह मायूसी के आलम इतने घूम रहे ने, अपना जीवन बतीत कर रहे ने, परेशान ने, कोई राह उन्होंने लभ नहीं रही। असी बेनती करांगे सरकार नूं कि इन्हां नौजवानों वास्ते कोई ना कोई ऐसी ड्राइव, कोई ना कोई ऐसे एवन्यूज जिहड़े ने जॉब्स वो कढ़े जावन, और खास करके हर डिपार्टमेंट के अंदर बड़िया वैकेंसीज ने जो खाली पईआं ने, उन्हां खाली वैकेंसीज नूं भरिया जावे, और जॉब जिहड़े ने बच्चों नूं दित्ते जावन। जो घट पढ़े लिखे बच्चे ने वो भी परेशान ने, उन्होंने वास्ते चाहे वह SPOs की जो है भर्ती की जाए, आर्मी के भर्ती की जाए, स्पैशल ड्राइव की जाए, ये बच्चे जिहड़े ने इन्हों एबजॉर्ब किया जाए। बड़े समय तो कुछ लोग टंपरेरी बेस से सर्विस करते आ रहे ने, उन्होंने कन्फर्म करन दा एक तरीका कढ़िया जाए। मैं एक बार फिर समुची उमर अब्दुल्ला साहब जी की सरकार आते हर एक जो MLA जित के आया है उन्हां सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई देंदे हाँ, और आस करते हाँ कि ये जो साडियां डिमांड्स ने इन्हां दे उत्ते जरूर गौर की जाए। समय समय सिर सिख कम्यूनिटी के नाल होर भी कई तरह के मसले मसाइल ने, समय समय से जो भी कोई मंत्री, जो भी कोई अहलकार, जो भी अहुदेदार गौरमेंट का पुश की धरती पर आएगा, असी डेपुटेशन की शक्ल में जरूर उन्होंने तक ये चीज़ा पहुँचावे। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सोल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, जिसकी जो कि सिख कम्यूनिटी की एक रिप्रजेंटेशन कर रही है, और सानू हक है, साडा फर्ज है कि असी ये जो डिमांड्स ने कम्यूनिटी की लैवल डिमांड्स उस समय समय सिर जरूर उन्होंने अगे असी रखांगे, और आस करते हाँ कि इस कम्यूनिटी को एक अच्छा सम्मान दिता जाएगा, सत्कार दिता जाएगा, और इस माइक्रो माइनॉरिटी कम्यूनिटी दी डिमांड्स जिहड़ियां ने उन्होंने जरूर पूरा किया जाएगा। मैं एक बार फिर इस सरकार नूं बहुत बहुत बधाई देता हाँ, मनोज सिन्हा जी नूं बहुत बहुत बधाई कि एक अच्छी तालमेल के नाल बह के पक्ष विपक्ष आपस में तालमेल बना के इको कोशिश की जाए कि साढ़े UT के जो असी जो लोग है आवाम